क्वेश्चन नंबर थ्री में कहते हैं यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टू इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कहते हैं कि यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट ए है क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सरसाइज 5.3 में, इंटीग्रल एक्स ई पावर एक्स डी एक्स। तो देखिए ये अल्जेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो लाइट रूल्स के मुताबिक हम फर्स्ट क्या लेंगे, ये एक्स, और एक्सपोनेंशियल सबसे आखिर में है तो ये सेकंड लेंगे। तो अब फार्मूला अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये इस इंटीग्रेशन के लिए डी एक्स है और ये होल इसके लिए है, ठीक है। तो एक्स ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, फंक्शन इटसेल्फ माइनस ये इंटीग्रल, अच्छा डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है वो क्या है वन, और इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स क्या है ई पावर एक्स, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन तो इस्तेमाल हुआ, अब हमारे पास ये डी एक्स रहता है। अच्छा अब इसकी हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो देखे ये एक्स ई पावर एक्स और माइनस इंटीग्रल ये ई पावर एक्स और डी एक्स रह जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स क्या है फंक्शन इटसेल्फ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। अगर यहाँ से आप ई पावर एक्स कॉमन करना चाहते हैं तो ये एक्स माइनस वन इंटू ई पावर एक्स प्लस, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। पार्ट नंबर बी में कहते हैं कि इंटीग्रल एक्स साइन एक्स, इसको हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि ये इंटीग्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय आई आई इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो देखिए इसमें भी लाइट फार्मूले के मुताबिक ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इससे पहले अल्जेब्रिक फंक्शन आता है, ठीक है, एल आई ए टी ई। तो ये अल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो हम पहले कौन सा लेंगे, हम एक्स ये फर्स्ट लेंगे और ये सेकंड लेंगे, ठीक है। अब हम इस पे फार्मूला यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, के फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये इस इंटीग्रेशन के लिए है और ये डी एक्स जो है ये इस कैपिटल इंटीग्रेशन के लिए। तो चलो मालूम करें एक्स साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल और डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है वो वन है, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉस एक्स है डी एक्स, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये माइनस एक्स कॉस एक्स, देखें ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स रह जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या है प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज योर आंसर। अच्छा यहाँ पे पार्ट नंबर सी में देखे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स एक्स डी एक्स। अब ये सिंगल फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लेकिन टेंजेंट इनवर्स एक्स का हमारे पास ऐसा कोई मतलब फार्मूला वगैरह नहीं है जिससे हम इसको सॉल्व करें इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स को। तो इस तरह के क्वेश्चन को फिर सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरह इसको लेते हैं कि इंटीग्रल ये जो टेंजेंट इनवर्स एक्स है इसको और इसके साथ वन लेते हैं डॉट वन इन टू डी एक्स, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हम ये तो हमें मालूम है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हम फर्स्ट लेते हैं और ये वन जो है इसको हम सेकंड लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूले की मदद से इसको खोले, ये फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड वन डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये टेंजेंट इनवर्स एक्स और वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, वो एक्स है, माइनस इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव हमें पता है वो वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर है,
और यहाँ पे वन की इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, एक्स और ये डी एक्स लिख के यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स जो है इसको पहले लिख के, ये टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस यहाँ पे जो वन प्लस एक्स स्क्वेयर है, इसका डेरिवेटिव क्या है, वो टू एक्स है, वन का जीरो एक्स का टू एक्स है, तो यहाँ पे हमें टू एक्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक्स है, तो मैं वन और टू पे इसको डिवाइड करता हूँ और टू से यहाँ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये टू एंड टू वंस अगेन कैंसिल होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पे हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे कि जब डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो और इसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमिनेटर में मौजूद हो तो वो बराबर होते हैं लॉग ऑफ डिनोमिनेटर के, ठीक है। तो यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव टू एक्स यहाँ पे मौजूद है, तो ये लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर हो गया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। जो पार्ट नंबर एफ है, एफ में हमें दिया है कि इंटीग्रल ई पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो हम लेट करते हैं कि ये हम आई के बराबर लेते हैं, इंटीग्रल ई पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, अब देखिए अकॉर्डिंग टू रूल्स ये जो, अब इसको हम फर्स्ट लेंगे और इसको हम सेकंड लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट कॉस एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कॉस एक्स और ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या है, वो माइनस साइन एक्स है, ठीक है। और ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, ई पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये ई पावर एक्स यहाँ पे पहले लिख के ये कॉस एक्स, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और अगेन ये हमारे पास साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स डी एक्स आ गया, सही है। अब देखिए यहाँ पे फिर जो इंटीग्रेशन हमारे पास है, तो इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक एक्सपोनेंशियल है, तो वंस अगेन वी टेक ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट एंड एक्सपोनेंशियल सेकंड। तो इस पे अगेन हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, प्लस फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल डी एक्स, ठीक है। तो देखिए ये ई पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ ये ई पावर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा, ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता है, कॉस ये एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ये, इसके हम इंटीग्रेशन लेंगे तो दोबारा फिर यही देगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो ये वंस अगेन ये जो हमने इक्वेशन यहाँ पे वन लिया है ई एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे देखे ये भी ई एक्स कॉस एक्स है, ठीक है। तो वंस अगेन ये रिपीट हो गया, तो इसकी जगह मैं आई पुट करता हूँ। देखे ये जो जितने भी हमने ये कैलकुलेशन किया है, तो ये सारे क्या है, ये आई के बराबर है, आई आई, ठीक है। इंटीग्रेशन जो हम पार आउट करते चले आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखे ये दोबारा आई के बराबर है, तो इसको लिख के आई ई पावर एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स, यहाँ से भी ये ई पावर एक्स पहले लिख के, और माइनस इसकी जगह में आई वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये आई इस तरफ ले आए, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स, और यहाँ से हम ई पावर एक्स जो है इसको कॉमन भी कर सकते हैं, ई पावर एक्स को कॉमन करें चलो यहाँ से, और यहाँ से कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेके, तो ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और ये माइनस आई मैंने इस तरफ ले आए तो ये टू आई हो गया, ठीक है। तो इसको प्लस करें तो ये टू आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिवाइड बोथ साइड बाई टू, जब टू पे डिवाइड करेंगे तो आई बराबर है ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई टू कॉस
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। और ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, 2 पे डिवाइड करें तब भी हम कांस्टेंट एज ए जनरल सी लेते हैं, सही है। तो ये आई क्या है, आई हमारे पास ये इंटीग्रेशन था ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो लॉस में आई की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ, तो इसका इसकी जगह मैं पुट करता हूँ कि इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये बराबर है ई एक्स बाई टू इन टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर।